पी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। मंत्री प्रेम कुमार ने जदयू नेता पीके और पवन वर्मी पर गठबंधन धर्म पालन करने की नसीहत दी है। प्रेम कुमार का बयान जदयू के शीर्ष नेतृत्व से हुआ है। गठबंधन किसी के बोलने से नहीं पड़ेगा कोई फर्क, एनडीए पूरी तरह मजबूत है। पटना से मनीष कुमार की रिपोर्ट। गठबंधन धर्म का जो है वो पालन नहीं हो पा रहा है, पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए। जेडीयू कम से कम उनको चुप है, वरना लगता नहीं गठबंधन असर भी पड़ेगा। हम तो चाहेंगे कि, और हमारी अपील होगी, पवन वर्मा जी हों, प्रशांत किशोर जी, तमाम जो नेता हैं, जाकर सब मिलकर गठबंधन सबका पालन करें। यदि जनता दल यूनाइटेड ने फैसला ले लिया सीए के पक्ष में, लोकसभा में और राज्यसभा में वोटिंग भी उन्होंने किया है जाकर के, और पूरी पार्टी ने समर्थन किया है, फिर इनके बयान का कोई महत्व नहीं जाकर के है। और पार्टी निर्णय लेती है जाकर के, पार्टी सर्वोपरि होती है जाकर के। और आगे भी हम सब दिल्ली में भी चुनाव के मैदान में जा रहे हैं मिलकर के, तो उनके बयानों में कोई दम नहीं जा करके है, उनके बयानों पर कोई महत्व नहीं जा करके है। फ्रस्ट्रेशन में आप लोग फ्रस्ट्रेशन में है, इस तरह के बयान दे रहे हैं, इस तरह के बयान से उनका आप जो उनका मतलब कारण जो भी रहा हो जा करके, कि मैं देख रहा हूँ कि भाई आखिर दल है, तो दल तो समूह है, और समूह में जो मतलब प्रक्रिया संविधान में जाकर बना हुआ है, दलों में जाकर के तहत काम होता है। तो दल के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष सबको विश्वास में लेकर फैसला ले रहे हैं, तो उनके साथ होना चाहिए जाकर, अलग बयान दे करके जो भ्रम फैला रहे हैं, तो अब उनके भ्रम में कोई फंसने वाला बात आने वाला है नहीं जाकर के। और एनडीए, हाँ, जदयू, लोजपा, बीजेपी एक साथ है, आगे भी रहेगा। ये खाद कालाबाजारी को लेकर काफ़ी चर्चा है, किसान काफ़ी परेशान है, मधुबनी हो, मोतिहारी हो, कई जिलों में जो है ये खबरें आ रही है। ऐसे कितना तैयार है? मुझे खबर मिली थी टेलीविजन के माध्यम से, और हमने तुरंत संबंधित अधिकारी को डायरेक्शन दिया था जाकर के, कि देखें कहाँ जहाँ कहीं शिकायत हो तो ऐसे लोग खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर के। और आज विज्ञापन भी जा रहा है, कहीं पर किसान को शिकायत हो टोल फ्री नंबर पर शिकायत करें, और ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी जिनके द्वारा खाद की कालाबाजारी करने का प्रयास किया जा रहा है। कल हम लोग सारी कंपनी को बुलाया भी था, जितनी कंपनियां थी सब बुलाया था हमने, उनकी बैठक भी किया है, उनका विजुअल भेज दे रहे हैं आपके हम पति पर, और वहाँ भी हमने आदेश दिया है जाकर के। और जिलों में डीएम की अध्यक्षता में जिला उर्वरक निगरानी समिति है जाकर के, इन बातों की समीक्षा करती है, देखती है जाकर के, तो वहाँ भी देखा जा रहा है। और शिकायतें जो हम लोग के पास आ रहा है, हम लोग भी देख रहे हैं जाकर के हैं, और लगातार समीक्षा कर रहे हैं, और कहीं शॉर्टेज है नहीं। मैंने यानी कि पिछले दिसंबर महीने में थोड़ा गैप था, वो भी गैप मेरा पूरा हो गया है। हम तुरंत माननीय रेल मंत्री जी से राय के लिए, और माननीय रसायन मंत्री जी से हमने बात किया जाकर के, कि हमारा जो कोटा है समय पूरा हो। तो भारत सरकार ने पर्याप्त खाद उपलब्ध करा दिया है, किसी जिले में दिक्कत नहीं। फातिमा में तो रैक पर खड़ा जा करके, तो खाद लेने वाले लोग हैं नहीं जाकर। मुझे सूचना कल मिली है, और खाद के जो यहाँ पर जो भी कंपनी है उनको हमने आदेश दिया है कि आप भी गांव में जाएं, और आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप कंपनी का कोई खाद कहीं पर कालाबाजारी कर रहा हो तो आपके सब पर भी कार्रवाई हो। सरकार भी हर जिलों में, 38 जिलों में हम लोग भी निगरानी समिति इन बातों को देख रही जाकर, और कहीं शिकायत मिल रही है तो हम उस पर एक्शन ले रहे हैं।